ये सिंदूर है और इसके बीज फोड़ते हैं तो अंदर से ये देखिए लाल निकल जाते हैं। देखिए यही है असली सिंदूर। और दूसरा मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए पूरा पेड़ सिंदूर ही सिंदूर लगा हुआ है। ओरिजिनल सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो यही है। ये सिंदूर है और इसके बीज फोड़ते हैं तो अंदर से ये देखिए लाल निकल जाते हैं। देखिए यही है असली सिंदूर। और दूसरा मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए पूरा पेड़ सिंदूर ही सिंदूर लगा हुआ है। ओरिजिनल सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो यही है। ये सिंदूर है और इसके बीज फोड़ते हैं तो अंदर से ये देखिए लाल निकल जाते हैं। देखिए यही है असली सिंदूर। और दूसरा मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए पूरा पेड़ सिंदूर ही सिंदूर लगा हुआ है। ओरिजिनल सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो यही है। ये सिंदूर है और इसके बीज फोड़ते हैं तो अंदर से ये देखिए लाल निकल जाते हैं। देखिए यही है असली सिंदूर। और दूसरा मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए पूरा पेड़ सिंदूर ही सिंदूर लगा हुआ है। ओरिजिनल सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो यही है। ये सिंदूर है और इसके बीज फोड़ते हैं तो अंदर से ये देखिए लाल निकल जाते हैं। देखिए यही है असली सिंदूर। और दूसरा मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए पूरा पेड़ सिंदूर ही सिंदूर लगा हुआ है। ओरिजिनल सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो यही है। ये सिंदूर है और इसके बीज फोड़ते हैं तो अंदर से ये देखिए लाल निकल जाते हैं। देखिए यही है असली सिंदूर। और दूसरा मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए पूरा पेड़ सिंदूर ही सिंदूर लगा हुआ है। ओरिजिनल सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो यही है। ये सिंदूर है और इसके बीज फोड़ते हैं तो अंदर से ये देखिए लाल निकल जाते हैं। देखिए यही है असली सिंदूर। और दूसरा मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए पूरा पेड़ सिंदूर ही सिंदूर लगा हुआ है। ओरिजिनल सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो यही है। ये सिंदूर है और इसके बीज फोड़ते हैं तो अंदर से ये देखिए लाल निकल जाते हैं। देखिए यही है असली सिंदूर। और दूसरा मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए पूरा पेड़ सिंदूर ही सिंदूर लगा हुआ है। ओरिजिनल सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो यही है। ट्रेन में मैं बैठी हूँ ये अंग्रेज़ों के ज़माने की रेलवे लाइन है और आप समझ सकते हैं कि
इस भीषण जंगल के इलाके में एक रेलवे लाइन, ये बहुत ही बाघों से भरा हुआ खतरनाक इलाका है। यहाँ देखिए पहाड़, देखिए दूर तक आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी पेड़ ही मिलेंगे आपको, और जंगलों में ही जो है आदिवासियों के खेत भी मिलेंगे आपको। अब ये देखिए झरने, नीचे शायद दिख नहीं पा रहा है, देखिए इस ट्रेन में मैं सफ़र कर रही हूँ।